हैरियर सिंह बेस्ट यह मगाली यहाँ अबे ये तो लग भी मैडक जैसी रही है अब तो गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोग का एकदम ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। और आज है भाई हमारी चाची को नमस्कार चाची। तो आज है हमारी हैरियर सिंह बिष्ट का बर्थडे। भाई बिल्कुल सही, आज हैरियर का बर्थडे है, मतलब था तो पहले ही लेकिन आज हम लोग हैरियर का बर्थडे मनाएंगे क्योंकि बीच में बहुत बिजी हो गया था। आज भी थोड़ा सा काम वाम था लेकिन मैंने कहा नहीं यार भाई आज तो होके रहेगा, खास करके दीदी भी आई हुई है तो आज हम लोग हैरियर का बर्थडे मनाएंगे। देखो कितनी गंदी वंदी हो रखी है, इसको हम पूरा साफ करवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। और एक और चीज़ ये देख रहे हो तुम, ये थोड़ा सा मौज भी हो रखी है इधर पे, तो ये भी चेंज कराना है। अभी हम लोग सीधे टाटा के वहाँ जा रहे हैं। और ये देखो तुम लोग मस्त चीज़, तू नहीं तेरी बात नहीं हो रही है जग्गू, तेरी बात नहीं हो रही है मस्त चीज। ये देखो कौन है, तो ये वाले डॉगू के बच्चे हैं, प्यानी प्यानी बच्चे हैं। तो ये है, ये देखो ये वाला दूध भी पी रहा है, तो ये ना कमजोर हो रखे हैं सारे के सारे, तो इसलिए इनको इधर। वो देखो मम्मी भी आ गई, थोड़ी तो भूख मुझे भी लगी है, इसको अभी अभी पेडिग्री खिलाई हमने। अभी हम लोग निकलते हैं फटाफट से टाटा के शोरूम में, वो चेंज करा के आते हैं और उसके बाद तुम लोग के लिए एक बहुत खतरनाक सरप्राइज है मेरे पास, तो गेट रेडी। बाकी काफी दिनों बाद आज हम लोग प्रदीप से भी मिल रखे हैं, तो जिसको पता नहीं प्रदीप इतने टाइम से कहाँ था। तो यार प्रदीप की शादी हो गई थी यार, तो वो अपने लाइफ में बिजी हो गया थोड़ा। जय हो भोलेनाथ। तो गाइस अभी भैया फट करके मट फ्लैप लगा रहे हैं। हाँ जी एक ही है बस, ये साइड वाला ही है बस, फटाफट से मट फ्लैप चेंज होता है। निकलता है, तुम लोग के लिए एक सरप्राइज है घर पे, बहुत सारे बॉक्स है, तुम देखना भाई तुम्हें मजा आने वाला है। मैंने भाई हैरियर का बर्थडे है ना आज, इसके लिए जो जो चीजें मंगाई है ना तुम लोग बस देखो भाई। गाइस यार फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। क्या कर रही हो मम्मी जी तुम, ये क्या इंटरव्यू वाला चैनल? अरे समझ गया, मम्मी पॉडकास्ट देख रही है हमारा, वो जो रियल इट पाया था। अरे भाई ये हिमली, अभी हम लोगों को देख रहे हो ये अंदर से कितनी गंदी हो रही है। देखो ये इधर धूल है, इधर पूरी धूल है, इनमें ये मेरे नहीं है, मैंने नहीं किए, ठीक है। तो ये सारा हमको करना है, तो मैं दिखाता हूँ। मैं तुम लोगों से बोला था ना कि सरप्राइज लाइक हम लोग ने हैरियर के लिए भाई इतनी सारी चीज़ें मंगाई है, तुम लोग बस देखो, तुम्हें देख के ही मजा आ जाएगा भाई, तुम्हें हो जाएगा यार बात तो है। तो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ हैरियर को साफ रखने के लिए मैंने क्या क्या मंगा रखा है। ये देख रहे हो तुम पेटी, ये पूरी की पूरी पेटी मैंने गो मैकेनिक से मंगा रखी है। तुम लोग एक चीज़ दिखाता, सबसे मेन है ये पता क्यों चाहिए था मेरे को, मतलब ये छोटी सी चीज़ है, तुम लग रहा होगा अरे यार ये क्या ही चीज़ है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 20 वॉट चार्जर होता है ना उसके अंदर चले जाती है, और उसके बाद ये देख रहे हो अलग अलग टाइप के पोर्ट दे देती है, और उसके साथ साथ तुम्हें एक वो भी मिल जाता है, लाइक तुम्हें एक टाइप से भी मिल जाता है। उसके साथ साथ तुम्हारे भाई ने एक पूरी एंड्रॉइड की डिस्प्ले मंगा रखी है, ये पीछे वाले के लिए लगाएंगे हम लोग, लाइक जो पीछे पैसेंजर बैठते हैं ऐसे दीदी लोग बैठे तो वो लोग भी अपना कुछ मजेदार कर सकते हैं। हाँ इसमें हेडफोन लगाने पड़ेंगे उनको, बस भाई मेरा दिमाग ना खराब करें। और बाकी ये वैक्यूम क्लीनर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो अभी हम लोग इससे साफ सफाई करेंगे, और उसके बाद थोड़े बहुत माइक्रोफाइबर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जो अगर तुम लोग बोलोगे ना कमेंट करोगे तो मैं तुम लोग एक एक चीज़ दिखा दूंगा। बट पहले मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि ये मैंने मंगाए कहाँ से। गाइस यार तुम लोग सोचोगे कि मैंने हमारी प्यारी हैरियर के लिए भाई इतना सारा औसम सामान और वो भी अलग अलग कंपनी का एक साथ कैसे मंगा दिया। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले गो मैकेनिक के बारे में। ये एक वेबसाइट है जहाँ तुम्हें सारे के सारी कार एक्सेसरीज मिल जाएंगी, जो भी तुम लोग सोच सकते हो, और वो भी बेस्ट प्राइसेस पर। यार बता के क्या होगा, एक काम करते मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गो मैकेनिक की वेबसाइट पर, और जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पे अलग अलग टाइप की कैटेगरीज है, जो तुम लोगों को चाहिए वो तुम लोग देख सकते हो। और अभी तो यहाँ पे विंटर स्पेशल ऑफर सेल भी चल रही है भाई, तो तुम लोगों को और सस्ते में सामान मिल जाएगा, टॉप कार एक्सेसरीज ब्रांड, और वो भी अप टू 75% ऑफ। भाई ये बहुत ही ज्यादा कूल चीज है, और कम होने को इसमें भाई बाइक की भी एक्सेसरीज है। और बाकी देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि तुम्हें अगर बाय चांस कार केयर के लिए अपनी गाड़ी के लिए कुछ चाहिए जैसे ध्यान देने के लिए, तो ऐसा नहीं कि तुम लोगों को फिर एक एक चीज ऐसे ढूंढ ढूंढ के लेके आनी पड़ेगी। बाय चांस ये देखो यहाँ पे और भी कार एक्सेसरीज के अंदर और भी तुम लोगों को, तुम डायरेक्ट भी जा सकते हो, जैसे देखो ये क्लॉथ है, फिर 115 प्रोडक्ट्स और है, फिर तुम लोगों को जो चाहिए तुम वो सेलेक्ट करके ले सकते हो। बट जैसे अभी मैं माइंड बना के आया हूँ भाई, मेरे को कार इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके कैमरा सेंसर्स में आके मेरे को एक डैशबोर्ड का कैम लेना, चलो फटाफट से इसको बाय करते हैं। बहुत ही सिंपल है भाई, एकदम क्लीन और बेस्ट वेबसाइट है, जहाँ पे तुम्हें अलग अलग टाइप के ब्रांड्स भी मिल जाते हैं और बेस्ट प्राइसेस भी मिल जाते हैं, ठीक है। ओ मैंने ये मैंने पहले से अपने इसमें डाल रखा है, देखो जैसे कि ये 1864 का पड़ रहा था, बट हमारी जो डिलीवरी फीस थी 60 वो तो पहले ही कैंसिल हो गई। और अगर तुम सारे यूज करते हो कोड अंशु10 तो तुम लोगों को 10% डिस्काउंट उसके ऊपर और ज्यादा मिल जाएगा। तो भाई जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करो भाई गो मैकेनिक को, और अपनी कार के लिए बढ़िया बढ़िया एक्सेसरी
और यार कार क्यों, बाइक के लिए भी भाई तुम लोग बढ़िया बढ़िया एक्सेसरीज मंगा सकते हो। जल्दी से जाओ और अंशु 10 यूज करना मत भूलना। दोस्तों टाइम आ चुका है, चलो फटाफट से साफ सफाई करना स्टार्ट करते हैं। भाई मैंने आज तक कभी वैक्यूम क्लीनर यूज नहीं करा है, तो मेरे को देखना है। बस ये सिब्बू कहाँ है सिब्बू? तो दोस्तों हम लोगों ने लगा दिया है, अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ भी खराब हुआ तो सिब्बू के नाम कर देना। मेरा नहीं है। तेरा ही है फिर? मेरा नहीं है। चलाऊं? हाँ। ओ भाई काम तो कर रहा है यार ये, वो देखो मतलब अभी इतनी गंदी मैट को तो साफ नहीं करेगा, बट ये खा गया भाई। ये देख रहे हो इसके अंदर धूल चलेगी भाई, ये तो बढ़िया चीज है यार। और देखो इसकी बात कर रहा था मैं, मस्त करके इसको यहाँ पर ये जो 12 वोल्ट का अपना ये सॉकेट है इसमें डाल देंगे। तो ये देखो अब ये मस्त करके हमारा सी टाइप चार्जर भी बन चुका है, और इसमें बहुत सारे और भी कंट्रोल्स है जो तुम लोग आराम से इसे कंट्रोल कर सकते हो, इससे आवाज सारी चीजें। तो ये भी बहुत कूल चीज है। तो गाइस यार साफ सफाई तो हो गई थी, बट तुम्हारे भाई ने, भाई देखो हैरी का बर्थडे है तो यू नो बर्थडे में एक और चीज होती है यार जिसको बोलते हैं केक। तो यस तुम्हारे भाई ने केक भी मंगा दिया है, हैरियर सिंह बिस्ट का केक भी आ चुका है। अब हम लोग इसको सीधे वहां जाके काटेंगे। बड़ा मन कर रहा है पता है, हल्का सा ऐसे निकाल के खा जाऊं, पर नहीं यार जब केक कटेगा उसके बाद ही। और केक भी हैरियर को ही काटना होगा, मतलब मैं एक टायर उठाऊंगा उसका, फिर वो एक टायर से शूं करके काट, ज्यादा हो गया। चलो फटाफट निकलते हैं, बस 15 मिनट में दी तैयार होकर आ रही है, मम्मी लोग तैयार हो जाए फिर सीधे निकलते हैं। इससे नीचे तो नहीं जाएगी? नहीं यार, नहीं ना, इससे नीचे तो नहीं डलवाएंगे ना गाड़ी, इससे नीचे तो नहीं होगी यार। लगाओगे कहाँ? क्या यहीं पे लगाया? ये है ना, पूछना है। और नीचे? और नीचे, ये तो और नीचे कह रहे हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ तुम, लेट्स गो। यार तुम तो यार बर्थडे गाड़ी की तो तुम ऐसी की तैसी करवा दो भाई, ये कैसी गाड़ी डला ना तेरे को तो सही। एक बार अरे मोरी मैया ऐसी आवाज निकालो जो, अरे मोरी मैया पीछे को लाके सुनो नो 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 नो। मम्मी मजा आ रहा है? ठंड लग रही है? इतने टाइम बाद मम्मी के साथ बाहर घूमने आ रहा ना, बता नहीं सकता यार भाई, मजा तो आ रहा है। तुम जबरदस्ती तो नहीं आ रही हो ना कहीं यार? मेरी मम्मी यार खुश हो गई। इन लोगों की शक्लें देखो एक बार तुम भाई, ये लोग केक ले आए, हम लोग मार्चिस लाना ही भूल चुके हैं। तो क्या है वो? तो अच्छा भैया ने लाइटर दे दिया, भैया ने बोला मार्चिस लोग। तो दोस्तों केक पे तो नहीं जल पा रहे, तो हम मान लेते हैं कि ऐसे जला रहे हम, ठीक है? चलो ये लो भाई, हैप्पी बर्थडे हैरियर, Happy birthday Harrier, Happy birthday dear, let's go। जो इसलिए मैं काट रही हूँ। और ये बचा हुआ सारे के सारे सब्सक्राइबर्स को जिनकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाए, तो ये लो, थैंक यू गाइज। ये हैप्पी फैमिली देख रहे हो ना तुम लोग, तुम लोग की वैसे सब कुछ देख लो, व्लॉगर इन मेकिंग गाइस। इसके व्लॉग का लिंक मैं दे दूंगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, अगर तुमको एकदम समझ लो तुम बिगनर का व्लॉग देखना होगा तो तुम जा सकते हो। हाँ भाई मम्मी जी आ जाओ यार। मम्मी भी थक गई, ये पहाड़ी है ये देखो ये। हाँ ये देखो कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये सारे के सारे वो है मतलब रहने के लिए होता है ना जैसे, हाँ रूम्स कॉटेज टाइप के छोटे छोटे। ये देखो यहाँ पर भी है। ओ भाई
हाँ ना मैगी खाएंगे। तो गाइस एक ये वाला है, ओ भाई साहब ये देख रहे हो कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। और ये देखो, अरे अभी गिर गया था, अरे अभी गिर गया था। ये देखो यहाँ से व्यू देखो, और ये पूरा एंट्रेंस ये सब भाई। एक हमारा ये वाला है और एक भैया बता रहे वो वाला है हमारा, तो देखते हैं दीदी को कौन सा देना है, मैं कौन सा लूंगा। तो वो वाला है दीदी लोगों का, ये वाला हमारा है, इसको देखते हैं अंदर से कैसा है। और यहाँ पर भी है मस्त करके बालकनी। तो दीदी को लग रहा था कि दीदी के ही रूम में वैसा है, बट एक्चुअल में सारे इधर को फेसिंग है, और ये तो और थोड़ा पास है। जहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो ना तो पीछे हिमालयन रेंज है, अभी नहीं दिख रही क्योंकि अभी रात हो गई ना, कोहरा और आ गया सब कुछ एकदम। देखो छोटा सन जो है वो भी डूब रहा है बस। अब भाई हम लोग ना एटलीस्ट यार लाइक सनसेट तक तो आ गए भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है अब यहाँ। ओ भाई हम लोग सोच रहे थे ये सूरज डूब रहा है, भाई वो चांद है, चांद उठ रहा है, कितना क्लियर दिख रहा है भाई तुम्हें, मे भी कैमरे में इतना क्लियर ना दिख रहा हो भाई साहब, वही ना। ये देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, ये है रेस्टोरेंट भाई साहब, अंदर चलते हैं। ये देखो वर्ल्ड पीस गागर भाई साहब, रेस्टोरेंट बढ़िया यार। देखो यहाँ पर ये, अच्छा इसी को गागर बोलते हैं, अच्छा मैं तभी सोचूं फुंगुल ना रे गागर जू तो मैं रिजा कुंचा गाजर गागर जू तू क्या यो। तो ये देखो हाँ, ये देखो बदतमीज को देखो, तेरे पूछ को उठाया तूने उनसे, वो हो सकता है उनका सुवेनियर हो कुछ हो, रख दिया क्या वहां रख दिया, चल हिट यहाँ पे चल चल निकले हो। तो इसको गागर कहते हैं। गाइस यार फाइनली आ चुकी हमारी चाय मैगी, वाओ भाई। अरे यार तू इसको रख देगा साइड को थोड़ा, ये इसको पता नहीं क्या गले लगा ले, इसको डाल ले भैया, ये जब हम जाएंगे ना तो प्लीज एक बार देख लेना, ये चोरी ना करके ले जाए इसको, ये आप देख लेना यहाँ रखा होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो इसका बैग मैं खुलवाऊंगा आपसे, ठीक है। अरे ये बहुत ही खतरनाक बंदा है, अच्छा लगेगा जेब में डाल लेगा ये देख के चलना, ये अगर यहाँ नहीं मिला तो। चलो भाई चटपटी मैगी खा के देखते हैं एक बारी, लसपस हो रही है बिल्कुल एकदम, है ना, थोड़ी मिर्च ज्यादा हो रही है पर वो बहुत टेस्टी रही है, वो पता है मिर्च ज्यादा है ना गर्मी हो जाती है अंदर, फिर तो वो चीज अच्छी होती है, बस सुबह को दिक्कत देती है। तो गाइस देखो मैं तुम्हें एक बार रूम टूर दे देता हूँ, शायद से मैंने तुम्हें रूम नहीं दिखाया ना कैसा है, तो चलो चलते अंदर को। ये देखो भाई तुम रूम, ये मतलब गंदगी मत देखो, ये तो हमारी हरकत है, ये हमारा रूम है, देख लो ये बेड है प्रॉपर भाई, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा चिल मारने का एरिया है, यहाँ पे हमारी प्यारी मम्मी जी है, अरे मेरे कुछ कुछ कुछ, और उसके बाद ये अलमारी अपने कपड़े वपड़े रखने के लिए, ये तुम्हारा भाई है। और यहाँ पे वॉशरूम है, और वॉशरूम भी बहुत क्लीन है और बहुत अच्छा सा है, और बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से तो मम्मी बहुत बढ़िया लगा, नहीं कमरे मस्त नहीं बताओ, ये कितना प्यारा है ना, और पूरा वुडन वर्क है, पूरा वुडन वर्क। और अगर हम लोग इधर को चले तो लाली लालो लाली लालो, अभी तो रात हो गई, भैया से पूछना पड़ेगा यहाँ बाघ आते नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ बाघ आता होगा तो तेरे को कैसे पता, तू आई है पहले यहाँ, उन्होंने बोला, अच्छा उन्होंने खुद बताया अंकल ने, फुल मून हो सकता है मेरी दीदी आज भेड़िया बन जाए, आदमखोर भेड़िया। और ये सुमर क्या कर, अरे नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, तू बन नहीं सकती, तू है ये नहीं बनेगी ये। तो गाइस ये ना एक्चुअली रूम पे रखा हुआ था, मैं सोच ही रहा था कि ये क्या है ऐसा, ये दीदी ने अभी दिखाया क्या कर, दीदी गाइस को कैसे यूज करते हैं, हाँ ठीक है, हाँ ये देख रहा है, ऐसे लग रहा है लिटरली मेंढक कोई कुटकुट रहा है, लग रहा होगा कि आवाज वहां से आ रही है, थोड़ी देर में डिनर के लिए, बाय 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 प्रदीप। तो गाइस यार अभी दो घंटे बचे डिनर से पहले, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी मौज मस्ती हो जाए, इसको पता नहीं है मैं बहुत बड़ा पोकेमोन फैन हूँ, लाइक मैं कैसे बताऊँ यार, पोकेमोन इज लाइफ वाला, मतलब मजा आता है, तो चलो चलते हैं थोड़ी देर पोकेमोन खेलते हैं। भाई तुम गेम से ना गेमर को हटा सकते हो, बट तुम गेमर के अंदर से गेम नहीं हटा सकते, कर दे ब्रो कर दे यस। अभी कितना बज रहा है, 8 बज रहे हैं, और मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाला है अभी यहीं का, मतलब फैमिली फोटो ऐसे डाल के, जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया गाइस डिस्क्रिप्शन लिंक है, प्लीज जाके फॉलो कर लेना, 1 मिलियन होने वाले
करवा दो यार भाई के, और चलो अब बॉनफायर के मजे लेने चलते हैं। ए रही आ, अरे 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 ये तो बहुत ज्यादा तेज लग रही है। ओहो आ मम्मी यहाँ बैठो यार, मम्मी कह रहे थे ठंडा लगेगा भाई, ऐसे गर्म हो रही इसके आसपास भाई, समझ आ रहा है ना। हम सब यहाँ पर, मम्मी को देखो तुम टोपी ओपी पहन के, ये यहाँ आँख सेक रहा है, ये आँख सेक, ये मार्को दाको देखो लिटरल भाई इतने ठंडे में निकर में आए हुए हैं अबे यार भाई, लेकिन मार्को दा नेक्स्ट लेवल जगह भाई, नेक्स्ट लेवल जगह भाई, मजा आ गया भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और अभी तो हम लोग सनराइज भी देखेंगे सुबह का, तो भाई और ज्यादा मजा आएगा। देख रहा हूँ क्लियर मून है सर के ऊपर, यहाँ पे बॉनफायर चल रही है, प्लेस तो भाई नेक्स्ट लेवल है। तो गाइस चलो खाना पीना तो हो गया, अब हम लोग लाइव डिजर्ट बनते हुए देखेंगे। चलो भैया बना रहे हैं आटे का हलवा, ये मस्त, यहीं पे हमने बॉन फायर करी, अभी यहीं पे मस्त आटे का हलवा खाएंगे। भैया इसको ऐसा हवा में उछाल के ऐसे कैच कर दो, मजा आ जाएगा। मस्त आटे का हलवा टेस्ट करते है। तो गाइज हम लोग तो सोचते थे बस ऐसी आधा घंटा कुछ ऐसे बात बात कर लेंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी ये घड़ी भी क्यों नहीं चल रही है पता है, रात के 12:30 बज रहे हैं अभी, ठीक है। और तुम ये देखो लाइक मून ऐसे सर के ऊपर आ चुका है भाई, यहाँ से ना क्लियर एकदम तारे दिख रहे हैं, एक एक तारा, मे भी तुम लोगों को भी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, बट यहाँ से ना हम लोगों को एक एक लाइक ऐसा कैसे बताऊँ यार, तारे वारे दिख रहे हैं और इतना ज्यादा खूबसूरत चल रहा है ना सब कुछ, मेरा तो भाई अभी भी सोने का मन नहीं कर रहा है, मजाक नहीं कर रहा था। लेकिन हम लोगों को सुबह 5:30 बजे उठना भी, अगर सनराइज ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, तो चले सुन निकले, चले चलते हैं। ओ भाई साहब ये देखो, अरे मैं मजाक करो वो दर्शा रहा था तुम्हें। गाइस ये सोने का टाइम हो चुका है, बस थोड़ी देर आधा घंटे के आसपास थोड़ा सा पोकेमॉन खेलूंगा और उसके बाद करते हैं गुड नाइट, तुम लोग से मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा हैरियर का बर्थडे और ये पूरा का पूरा घूमने वाला। मैं तो भाई बस इतना बोलूंगा, देखो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ऐसा नहीं कि हम लोग फ्री में रुके हुए या हम फ्री में खा रहे, इट्स जस्ट मेरे को दिल से अच्छा लगा जगह, ठीक है। मैं तुम लोगों को हमेशा जेन्युइन चीज ही बताता हूँ, दिल से अच्छी लगी जगह, तो तुम लोग अगर कभी भी आते हो तो तुम लोग गागर आ सकते हो, वर्ल्ड पीस गागर करके। और बाकी अगर तुम लोग अपनी गाड़ी से प्यार करते हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो मैकेनिक से अपनी गाड़ी के लिए, चाहे बाइक हो कार हो, अपने गाड़ी के लिए मस्त मस्त चीजें मंगाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अंशु 10 यूज करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग, गुड नाइट दोस्तों, बाय। ओ नहीं थोड़ा सा खेल के जाऊंगा।